स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट दो में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दे का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाएं बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। पहले जाने सुने आज की गपशप। इस साल के अंत में भाजपा के शासन वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव है। सवाल है कि क्या इन तीन राज्यों में भाजपा सब कुछ रूटीन के हिसाब से चलने देगी और साल के अंत में वैसे ही चुनाव लड़ेगी जैसे दूसरे राज्यों में लड़ती रही है। भाजपा और संघ के जानकार नेताओं का कहना है कि ऐसा नहीं होगा। इन तीनों राज्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के दिमाग में कोई बड़ी योजना है। कहा जा रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव टाला जाएगा और अगले साल अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ इन राज्यों में चुनाव कराया जाएगा। चुनाव से पहले तीनों मुख्यमंत्रियों का चेहरा चुनावी मैदान से हटाने और मोदी शाह के नाम पर चुनाव लड़ने का तरीका निकाला जा रहा है। उसका तरीका यह है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, पर मुश्किल यह है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी लेनी होती है और राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से केंद्र सरकार को इसकी मंजूरी लेने में मुश्किल होगी। सो उसका कोई दूसरा रास्ता निकाला जा रहा है। चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा दिलाकर गेंद चुनाव आयोग के पाले में डालने की भी योजना है। हालांकि चुनाव आयोग के सहारे भी चुनाव टालना आसान नहीं होगा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा जो पहल कर रही है उसमें एक पहल यह भी है कि एनडीए की समन्वय समिति टाइप से एक कमेटी बनाई जाए। पहले एनडीए में ऐसी समन्वय समिति होती थी, पार्टी में एक बार फिर ऐसी कमेटी बनाने पर विचार हो रहा है। बताया जा रहा है कि वह एक अनौपचारिक कमेटी की तरह हो सकती है जिसमें सभी सहयोगी पार्टियों के नेताओं को रखा जाएगा और चुनाव से जुड़े मसलों पर उसमें विचार विमर्श होगा। ध्यान रहे एनडीए में भाजपा की कई सहयोगी पार्टियों ने इसकी जरूरत बताई है। जानकार सूत्रों का कहना है कि शिवसेना और जनता दल यू दोनों ऐसी कमेटी की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा को भी ऐसी कमेटी बना देने में कोई दिक्कत नहीं है। इस कमेटी के जरिए भाजपा सहयोगी नेताओं की इस नाराजगी को दूर कर देगी कि उनकी बात नहीं सुनी जाती है और उन्हें तरजीह नहीं मिलती है। यह भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के चुनाव की वजह से अमित शाह ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे और सहयोगियों से मिलना जुलना कम हो जाएगा। ऐसे में अगर कोई कमेटी बनी रहेगी तो सहयोगी पार्टियों के नेताओं का मिलना जुलना होता रहेगा। बिहार में भाजपा और जनता दल यू में शह और मात का खेल चल रहा है। जनता दल यू के नेताओं ने भाजपा पर दबाव डालने के लिए प्रचार कराया कि पार्टी राज्य की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके तुरंत बाद भाजपा की ओर से भी ऐसे संकेत दिए जाने लगे कि पार्टी अकेले या अपने पुराने सहयोगियों के साथ मिलकर लड़ने को तैयार है। भाजपा नेताओं का आकलन है कि अगर नीतीश कुमार फिर से राजद और कांग्रेस के महागठबंधन में नहीं शामिल होते हैं और अकेले लड़ते हैं तो भाजपा को उसका फायदा होगा। ध्यान रहे पिछले लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। भाजपा के एक जानकार का कहना है कि पार्टी पिछली बार जीती अपनी 22 सीटों में से ज्यादा सीट नहीं कुर्बान कर सकती है। पार्टी के दूसरे सहयोगी भी अपनी सीटें छोड़ने पर राजी नहीं हो रहे हैं। दूसरी ओर राजद और कांग्रेस को भी लग रहा है कि इस बार त्रिकोणात्मक लड़ाई का फायदा उनको हो जाएगा। उनका कहना है कि पिछली बार नरेंद्र मोदी का विरोध करके नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए थे और इस वजह से उनको मुस्लिम वोट भी मिले थे जिसका नुकसान राजद को हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मुस्लिम, यादव, दलित और कुछ दूसरी जातियों का वोट राजद, कांग्रेस और हम के पक्ष में गोलबंद हो सकता है। आप देख रहे हैं सोचें सोचना जरूरी है। अब है खुलासा। ताज़ा सुर्खियों में और बहस में जिस बात ने आपको भड़काया है या कंफ्यूज किया है उसका मतलब क्या है और ओढ़ छोर क्या, इसे समझने के लिए अब देखें आज का खुलासा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के लिए जो कुछ कहा, कुछ दिन पहले तक उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। कुछ दिन पहले ही दोनों एक दूसरे को मिटा देने की बयानबाजी कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को पागल, हत्यारा तक करार दे रहे थे, पर मंगलवार को सिंगापुर में दोनों की मुलाकात हुई जिसके बाद ट्रंप ने दिल खोल कर किम की तारीफ की। ट्रंप ने किम को बहुत समझदार और अपने देश को प्यार करने वाला नेता बताया। दोनों ने एक व्यापक समझौते पर दस्तखत किए जिसके तहत उत्तर कोरिया ने कहा कि वो अपने सारे परमाणु हथियार स्थायी रूप से नष्ट कर देगा और फिर कभी परमाणु कार्यक्रम नहीं शुरू करेगा। बदले में अमेरिका ने उसकी सुरक्षा की गारंटी की। ट्रंप ने उसी समय दक्षिण कोरिया के साथ होने वाला अमेरिकी सैनिकों का साझा अभ्यास बंद करने का ऐलान किया। ये घोषणा दक्षिण कोरिया के लिए हैरान करने वाली थी, पर उसे इसे कबूल करना होगा। ध्यान रहे उत्तर कोरिया के आक्रामक बर्ताव से सबसे ज्यादा परेशानी दक्षिण कोरिया और जापान को थी। ये दोनों देश अमेरिका के पुराने दोस्त रहे हैं, पर अमेरिका ने उनसे पूछे बगैर उत्तर कोरिया को कोई आश्वासन दे दिए। सो क्या इसे एक और शीत युद्ध की समाप्ति माना जाए?
उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने इस धारणा को तोड़ा है कि वो सनकी हैं। उनके बारे में मीडिया में अनेक तरह के किस्से आते थे। उन्होंने कैसे अपने भाई को मरवा दिया या कैसे झपकी लेने की वजह से सेना के वरिष्ठ अधिकारी को तोप से उड़वा दिया या अपने करीबी रिश्तेदार को कुत्तों के आगे डलवा दिया, इस तरह के किस्से सुनने को मिलते थे। इससे बड़े किस्से उत्तर कोरिया के मिसाइलों के परीक्षण के होते थे। उत्तर कोरिया ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल बना लेने का दावा किया था। दक्षिण कोरिया और जापान तो हमेशा उसके निशाने पर थे। तभी ये माना जा रहा था कि उत्तर कोरिया के कारण सिर्फ कोरियाई प्रायद्वीप ही नहीं बल्कि एशिया से लेकर अमेरिका तक खतरा है। कई जानकार परमाणु हमले को वास्तविक खतरा मान रहे थे। तभी अमेरिका उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से बच रहा था। इसके अलावा चीन और रूस ने उसको समर्थन दे रखा था। इस वजह से भी अमेरिका के हाथ बंधे हुए थे। उत्तर कोरिया 2005 से परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। उसने 2005-2006 में दो बार परमाणु परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल बना ली है। इससे पहले दो बार उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम बंद करने का वादा करके मुकर चुका है। इस बार भी उसे पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए तैयार करना आसान नहीं था। पिछले 70 साल में पहली बार अमेरिका का कोई राष्ट्रपति उत्तर कोरिया के शासक से मिला है। ये मुलाकात भी आसान नहीं थी, पर ट्रंप ने इस मुलाकात से पहले कुछ चीजें सुनिश्चित कराई। उन्होंने किम पर दबाव डाला कि वो अपने अच्छी नीयत का कोई संकेत दे। इस दबाव में किम ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों की मौजूदगी में अपने परमाणु परीक्षण स्थलों को नष्ट किया। इसके बाद ट्रंप उनसे मिलने को राजी हुए। दोनों की मुलाकात में तय हुआ कि उत्तर कोरिया अपने सारे परमाणु हथियार नष्ट करेगा और फिर कभी उन्हें शुरू नहीं करेगा। वो इस बात पर भी सहमत हुआ कि कोरियाई प्रायद्वीप में स्थायी शांति स्थापित करेगा। बदले में अमेरिका ने उसको सुरक्षा की गारंटी की। हालांकि पूरी तरह से परमाणु कार्यक्रम खत्म होने तक उत्तर कोरिया पर पाबंदी लगी रहेगी। फिर भी अब उम्मीद बंधी है कि कुछ समय बाद ही सही लेकिन उत्तर कोरिया पर से पाबंदी हटेगी, उसके दरवाजे दुनिया के लिए खुलेंगे और वहां के लोगों का जनजीवन सामान्य होगा। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि ट्रंप और किम की पहल उनको शांति का अगला नोबल पुरस्कार दिला देगी। हो सकता है कि ऐसा हो क्योंकि दुनिया की शांति के लिए हाल के दिनों में इतनी बड़ी कोई और पहल नहीं हुई। दोनों नेता इसके हकदार इसलिए भी हैं क्योंकि दोनों ने अपना अपना अहंकार छोड़ा, जिद छोड़ी और कुछ हद तक हितों के साथ समझौते का फैसला किया। दोनों ने जोखिम लिया, तब जाकर दशकों पुरानी इस समस्या के समाधान की ओर दुनिया बढ़ी है। रूस के बिखरने और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ये दूसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना है। ये एक दूसरे के शीत युद्ध के खत्म होने की तरह है। तभी दुनिया भर के देश इसका स्वागत कर रहे हैं और इसके सफल होने की दुआ कर रहे हैं। अगले कुछ दिन में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों और पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियार नष्ट करेगा। सारे परमाणु हथियार नष्ट होने के बाद उस पर से पाबंदी हट जाएगी और फिर एक युग की शुरुआत होगी। YouTube पर नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वहां जो घंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।